कि जो आज जो सरकार है, चाहे दिल्ली के अंदर सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है या केंद्र के अंदर सरकार है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो हमारे बीच में और इन जो आंगनवाड़ियों का जो साथ दे रहे हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। और एक वो राष्ट्रीय जनहित पार्टी भी चला रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दो तरीके से दायित्व बनता है, एक पार्टी के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते। सर SM न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आए दिन इस तरीके के अंदर देश के अंदर पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, कभी बैंक मित्र आते हैं, कभी रोड पे, कभी डाकखाना मित्र आते हैं, तो इससे साफ जाहिर है जो बात आप कह रहे हैं उसके बाद कहने की जरूरत नहीं रह जाती। बहुत ही निकम्मी बेरहम बेशर्म सरकार है, अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। और आप देख रहे हैं कि बार बार रोड पे आना पड़ता है, हर विभाग के लोगों को आना पड़ता है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आंगनवाड़ी बहनें हों, चाहे सहायिकाएं हों, और चाहे जो मिड डे मील में वो खाना बनाती हैं बहनें वो हों, हर किसी को सरकार के सामने रोड पे आना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है सरकार। तो इसमें साफ जाहिर है कि बहुत ही बेरहम सरकार है ये किसी भी हालत में लोगों की मांग मानने को तैयार नहीं है, और जो अपने वादे किए हैं अपने ही वादों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन सर ये एक तरफ ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और अभी आपने एक और एक कहते हैं कि वो जुमला सरकार, एक जुमला और दिया था कि 10 लड़कों के बराबर एक लड़की। नहीं, जुमले देने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, और वाकई में जुमलों की सरकार है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 लाख ये वो जितने भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनके नारे हैं। ये नारों वाली सरकार है, जुमलों वाली सरकार है, अपने ही वादों को पूरा ना करने वाली सरकार है, ये लोगों को धोखा देने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। मैं बार बार कह चुका हूँ, बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ कि जिन बहनों को ये कुपोषण के खिलाफ लड़ाई है, जो ये जो अपना कार्यक्रम है आंगनवाड़ी वाला, ये देश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए खड़ा किया गया था, कुपोषण खत्म हो उस देश में उसके लिए खड़ा किया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं 3,000 कहीं 4,000 कहीं 2,000 कहीं 2,500 आंगनवाड़ी बहनों को सहायिका को ये सब देते हैं, ये सारे के सारे, जब इनको ही आप इन्हीं बहनों का कुपोषण आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो देश का कुपोषण कैसे खत्म होगा। पहले तो इन्हीं का कुपोषण खत्म करें, और दूसरी बात ये देखें कि 2 महीने का ये आंदोलन इन्होंने जो किया, ये बाकायदा सरकार को चेतावनी देके किया गया, जो नियम हैं वो नियम कायदे कानून के अनुसार किया गया था, तो इनका मानदेय क्यों काटा जाना चाहिए। लेकिन आज इनका मानदेय काटा गया, मिलता ही कुछ नहीं, और वो भी काट लिया गया, इससे बड़े दुख की क्या बात है। सरकार को जरा भी इनका ध्यान नहीं है, सरकार को जरा भी अपने वादों का ध्यान नहीं है। अगर इसी तरह से रहा तो कुपोषण कैसे खत्म होगा। आप तो जो कुपोषण को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को कुपोषित बना रहे हैं। अगर सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा नहीं, तो ये लड़ाई बढ़ेगी और पूरी ताकत से लड़ी जाएगी, पूरे देश में आंदोलन होगा, फिर सरकार इस बात के लिए तैयार है, और 2019 का इलेक्शन उसके सामने है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, आंगनवाड़ी बहनों को 18,000 मानदेय नहीं किया गया, तो सरकार तैयार रहे संघर्ष के लिए, हम खुल के संघर्ष करेंगे, कस के संघर्ष करेंगे।